Good morning everyone, it is the video for a chapter 16 of physics, that is light. In the previous video we have read about spherical mirrors, that is concave mirror and convex mirror. So today we will be reading studying about the detail in that both mirrors. Like previous video mein hum log ye padhe the ki jo bhi mirror jiska inner surface, ठीक है, दो मिरर अगर मान लीजिए ले लीजिए, तो जब एक मिरर का इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, ये सरफेस जब रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और ये मेरा नॉन रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है, इस मिरर को हम लोग बोलते थे कॉनकेव, केव टाइप जो बनाता था, और जिसका जिस मिरर का इनर सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग हो और आउटर सरफेस, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, इसे हम बोलते थे कन्वेक्स। तो ये जो मेरा कनकेव मिरर है और जो कन्वेक्स मिरर है, ये बनता कैसे है? तो ये एक पूरा सर्कल रहता है, ठीक है, एक स्फेयर है। अब जब ये एक स्फेयर है, इसका मतलब इसका कुछ सेंटर पॉइंट होगा, इसका रेडियस होगा, ठीक है, सपोज इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको ऐसे तोड़ा गया, इसका कुछ होगा, इसका यहाँ पर पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट को बोला जाता है पोल, ठीक है, डिनोट होता है पी से। इस पॉइंट को जो सेंटर होता है स्फीयर का, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से बोला जाता है। इस एक्सिस को, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये तीन चीज़ हमको याद रखना है, सेंटर जो होता है मिरर का, ये जो हो गया मिरर का जो सेंटर, इसको पोल बोल देंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, मिरर के सेंटर को हम पोल बोलेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ द स्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द स्फीयर विच मिरर, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब ये तो पता है ये मेरा कनकेव मिरर है क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है। सेम इसी तरह कन्वेक्स मिरर भी होता है, लाइक ये अगर एक स्फीयर है, इसका ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये मेरा पोल हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा पोल और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो इसमें नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का किधर होगा, ये बाहर वाला, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ओके नाउ द स्पॉट। अब यहाँ पर ये अब पता चलेगा, सो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज टेक अ कनकेव मिरर एंड अलाउ द लाइट टू फॉल ऑन इट, एक कनकेव मिरर लीजिए और उसको लाइट को फॉल करने दीजिए, द रेज, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शोइंग यू ऑल द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ओके। सो आज हम लोग ऐसे ही पहले देख लेते हैं, तो लाइक सपोज अगर एक हम कनकेव मिरर लिए और उसमें से लाइट फॉल करवा लें, ठीक है, तो देखेंगे द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम ग्रेटर डिस्टेंस, सारे जितने भी लाइट आ रहे थे, ठीक है, लाइट लाइट ऐसे आ रहे थे, सपोज यहाँ पर एक कनकेव मिरर ले लिए, ठीक है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ ऐसे हो गया, तो जितने भी लाइट यहाँ ऐसे आ रहे थे, यहाँ से लाइट है, जितने भी लाइट आए सारे रिफ्लेक्ट करने के बाद, ठीक है, एक पॉइंट पे मीट किए, सारे लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पर मीट कर गए, ठीक है, सारे लाइट पैरेलल आ रहे थे, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, तो लाइट सामने आ रहे थे और रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे मीट किए, और जहाँ पॉइंट पे वो मीट किए उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल फोकस। ये रेज ऑफ लाइट आ रहे थे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ मीट किए, तो वो मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जितने भी रे ऑफ लाइट थे टकराने के बाद, मीट करने पर, वो क्या हुए, कन्वर्ज किए, ऑल द लाइट कन्वर्जेस,
इस चलते कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, ठीक है, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। लेकिन इसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग कन्वेक्स मिरर जब लिए तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो कन्वेक्स मिरर में रे ऑफ लाइट ऐसे आया, ठीक है, सॉरी ये उल्टा इमेज इसका बन गया, सपोज ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था, और आने के बाद ये सारा रिफ्लेक्ट कर गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, ठीक है, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, ये इधर, तो ये सब देखा गया कि सारा रे ऑफ लाइट एक वर्चुअल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, तो ये इधर बना, उसमें क्या था पहले था मिरर के आगे बन रहा था, इसमें क्या है बिहाइंड द मिरर बन रहा, बिहाइंड मिरर के पीछे बन रहा, तो ये मेरा फोकस बन गया, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, तो यही डिफरेंस था। और इसमें देखिए सारे जितने भी पैरेलल रेज जो आ रहे थे वो डाइवर्ज कर गए, ठीक है, इसमें डाइवर्ज किए, इसलिए कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। ये हमारा था कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर, और ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर, क्यों, क्योंकि जितने भी रे ऑफ लाइट थे सारे डाइवर्ज कर गए, इसलिए ये मेरा डाइवर्जिंग मिरर हो गया और वो मेरा कन्वर्जिंग मिरर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।